नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिकॉर्न के एक नए वीडियो में। और आज बहुत दिन के बाद दोस्तों एक बार फिर से जो है हमारे चैनल में एक वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो है 5 रुपये के सबसे कीमती सिक्के के बारे में। तो जो सबसे पहला सिक्का है दोस्तों वो सिक्का है ये वाला सिक्का, सेकेंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस ऑफ कांग्रेस। ये सिक्का दोस्तों 1996 में बना था, 9 ग्राम का सिक्का है, कॉपर निकल का 23 mm का सिक्का है दोस्तों ये वाला। और ये सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता मिंट के द्वारा ही बनाया गया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता मिंट के द्वारा बनाया गया था। अगर किसी दूसरे मिंट का सिक्का आपको मिलता है तो वो फेक कॉइन होगा। इसकी जो मार्केट वैल्यू हो वो है 4,500 से लेकर 7,000 तक। और जो दूसरा सिक्का है दोस्तों वो है ये वाला लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का सिक्का। तो ये सिक्का दोस्तों काफ़ी काफ़ी वजह से जो है इसके चर्चे होते हैं, क्योंकि इस सिक्के के साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो गए थे। तो ये है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 150वीं जयंती पर जो है ये सिक्का मुंबई मिंट के द्वारा बनाया गया था। और इस सिक्के में जो और इस सिक्के की जो खासियत है वो ये है दोस्तों कि पहली बार किसी के नाम के साथ जो है जी को जोड़ा गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे गंगाधर तिलक जी। तो दोस्तों सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी के नाम के साथ जो है वो जी को जोड़ा गया था। तो ये जो सिक्का था ये जब मार्केट में आया तो पहली इसकी जो फर्स्ट एडिशन मार्केट में आई उस पर कुछ सवाल उठे, क्योंकि गांधी महात्मा गांधी जी के नाम पर भी गांधी ही था, गांधी जी नहीं था। तो उस हिसाब से जो है इस सिक्के के साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लोगों ने इसके बारे में कुछ कहा। तो जो फर्स्ट एडिशन जो आया था उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, और जो दूसरे एडिशन में जो सिक्के आए उसमें तिलक लिखा गया, यानी कि तिलक जी के सिर्फ पहले एडिशन में जो सिक्के बने थे वही हैं। तो ये जो सिक्का है दोस्तों ये सिक्का 2007 में आया था, 9 mm का कॉपर निकल का 23 mm का सिक्का है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई मिंट के द्वारा ही बनाया गया था। तो इस सिक्के की जो वैल्यू है वो है 1500 से लेकर 2000 तक। और इसके जो तिलक वाले सिक्के आते हैं दोस्तों जो कि मार्केट में, वो सिक्के भी आपको इतने आसानी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही कम मात्रा में बने थे। तो जो तिलक वाले सिक्के आते हैं वो भी आपको 400 से 500 रुपये तक मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो है जो तीसरा सिक्का आता है वो है ये वाला, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 50वीं 50 वर्ष, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये जो है दोस्तों इसके 50वीं सालगिरह पर जो है ये सिक्का बनाया गया था। और इससे ये जो ये भी दोस्तों ये सिक्का 9 ग्राम का सिक्का है और कॉपर निकल का 23 mm का कॉइन है। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है इसकी फिलहाल मार्केट वैल्यू 1200 से लेकर 1800 तक चली जाती है। और चौथा सिक्का है दोस्तों ये वाला, दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये सिक्का 2007 में आया था मुंबई मिंट के द्वारा, और इसका जो डायमीटर है वो है 23 mm का, और 9 ग्राम वजन है इसका। और 2007 में ये सिक्का बना था, आया था मार्केट में, और ये भी कॉपर निकल का ही सिक्का है दोस्तों। और इस सिक्के की जो मार्केट वैल्यू है वो है 1000 से लेकर 1500 तक। और जो चौथा सिक्का है दोस्तों ये सिक्का आपके पास कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, क्योंकि ये अभी भी मार्केट में आपको ये सिक्के मिल जाते हैं। एक तमिल कॉन्फ्रेंस सन थिरुवल्लुवर। तो दोस्तों ये सिक्का आपको मार्केट में मिल जाता है, लेकिन इसके जो सबसे जिसका जो रेयर सिक्का है वो है दोस्तों नोएडा मिंट। आपको नोएडा मिंट का जो सिक्का है दोस्तों वो सबसे रेयर वाला सिक्का है। तो अगर आपके पास नोएडा मिंट का सिक्का है तो ये वाला सिक्का आपको 50 से लेकर 500 रुपये तक दे सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी सिक्के आपको यहाँ पर बताते हैं उन सभी सिक्कों की जो वैल्यू है वो कंडीशन पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी इस सिक्के की कंडीशन होगी उतना अच्छा जो है वो सिक्का आपको दिखेगा, सॉरी दोस्तों बिकेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।